हाई एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन को कैसे प्रैक्टिस करें AFO के लिए, IBPS PO के लिए। अगर IBPS AFO की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसमें लगभग 18 क्वेश्चंस देखने को मिलता है हर साल। ठीक है, दो RCs रहेंगे। अगर आपका RCs स्ट्रांग है ना, तो आप आराम से यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो 18 क्वेश्चन, मतलब 9 मार्क्स। तो बहुत आराम से, बहुत ज़्यादा आराम से 1 से 2 क्वेश्चन इधर उधर होगा और 7 से 8 मार्क्स बहुत आराम से आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो हम लोग को ये करना कैसे है, ठीक है, हाउ टू अप्रोच RC इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, RC को अप्रोच कैसे करना है। मान लो आप 10 क्वेश्चन वाले एक RC को पकड़ते हो, ठीक है, तो उसको कैसे अप्रोच करना है और कैसे आगे बढ़ना है, वो हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग बात करते हैं हाउ टू गेट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाउ टू प्रैक्टिस, इट्स अ परफेक्ट स्ट्रैटेजी। इसमें देखिए है क्या ना, कि अगर आप ये फॉलो करोगे ना जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप बड़े आराम से आप कर लोगे। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चंस यहीं से, 7 से 8 मार्क्स यहीं से निकाल लोगे। 18 क्वेश्चन में 14-15 क्वेश्चंस आपका सही होना ही होना है, डैट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो इसमें करना क्या है ये हम लोग अभी बात करते हैं। पहले मैं आपको ऐसे प्रैक्टिकल थ्योरी अप्रोच में बता देता हूँ, फिर आपको एक RC लूँगा और RC में आपको दिखाऊँगा कि उसमें करना कैसे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप जब RC पढ़ो ना, तो उसमें आपको पैराग्राफ्स लिखा होगा। ठीक है, पैरा 1, पैरा 2, ठीक है, पैरा 3। हाँ, आपको करना क्या है कि सबसे पहले एक पैराग्राफ पढ़ना है, और पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसको वो बता क्या रहा है ना, उसको समराइज्ड वे में आपको लिख लेना है एक सेंटेंस में। ठीक है, जैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। फिर पैरा 2 को लिख लेना है, पैरा 3 को लिख लेना है। अगर आपको 300 से 400 वर्ड्स का RC आता है, तो आपको इतने में RCs को आपको एक जगह लिख लेना है। उसके बाद जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना, हाँ, तो आप यहीं से रिलेट कर पाओगे, अच्छा ये पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है। फिर देखोगे ये पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है, पैरा 1 से क्वेश्चन आया है, फिर आप देखोगे पैरा 2 से है, कुछ देखोगे पैरा 3 से है या पैरा 4 से है। तो होगा क्या कि मे बी देर इज़ अ चांस कि आपका इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, तो एक पैरा आपको समझ नहीं आया, और क्वेश्चंस उस पैरा से आए, वो भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि वही पैरा से क्वेश्चंस आए। पर अगर आ भी जाता है ना, तो अगर आप 4 पैरा समझ गए हो ना, तो एक पैरा जो समझ नहीं आया, वो आप गेस कर सकते हो कि भाई ये पैराग्राफ क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप एक बार ज़रूर ट्राई करना पैराग्राफ पेस इसको पढ़ने का। ठीक है, पैराग्राफ पेस पढ़ने के लिए कैसे, क्या करना है, हमें पैराग्राफ लिखना है। देखो स्टार्ट में जब आप स्टार्ट में RC करोगे, मेरे स्टाइल में जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा लेट लगेगा आपको। ठीक है, क्या होगा कि पैराग्राफ 1 लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ 2 लिखना होगा, और आपको हो सकता है 10 से 15 मिनट्स लग जाए एक RC बनाने में। ठीक है, घर पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, पर आप क्या करना ना, आप 10 क्वेश्चंस ऐसे करना। ठीक है, 10 RCs आप करना मेरे स्टाइल में, आप देखना आपको 5 मिनट्स में आप RC पढ़ लोगे। ठीक है, और आने वाले 2 से 3 मिनट में आप अच्छे खासे क्वेश्चन कर लोगे। और अगर 10 क्वेश्चन आता है, एज़ पर AFO में देखा जाता है कि 10 क्वेश्चन आता है, तो आप 5 मिनट में वो 10 क्वेश्चन कर लोगे। मिनिमम 10 मिनट्स लगेंगे, 10 मिनट्स में आपको ये अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स दे देगा। ठीक है, और एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है तो 4 मार्क्स। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पैराग्राफ्स आता है। ठीक है, पैरा समरीज बहुत RCs के क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, सीधे सीधे पैराग्राफ से उठाए रहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप समझना। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन क्या होता है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसन कॉम्प्रीहेंड करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इट्स मीन कॉम्प्रीहेंड, क्या लिखा हुआ है उसको आपको समझना है, और उसी बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस रहेगा। ठीक है, तो ट्राई दिस वन। हाँ, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक, चलिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, जैसे ये हम लोग पैसेज स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो पैसेज है ना, ये है आपको अरुण शर्मा की एक बुक आती है कैट का। ठीक है, उसका है ये, काफ़ी टफ है, इतना टफ क्वेश्चंस आते नहीं है। ठीक है, PO में या SO में इतने टफ आते नहीं हैं, पर येट ऑल्सो मैं टफ से स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको जो नॉर्मल क्वेश्चंस आएँ वो बहुत ईजी लगे आपको। ठीक है, तो पैसेजेस देखिए, पैसेज आप क्या देखोगे, यहाँ तक आपको एक पैरा है। ठीक है, तो आपको लिखना चाहिए पैरा 1, पैरा 1 में क्या बोला है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज़ असेंबली।
बोल रहा है असेंबली क्या है, इट्स अ स्ट्रक्चर दैट ब्रिंग्स द पीपल ऑफ इंटायर कम्युनिटी इनटू सिस्टमैटिक रिलेशनशिप विद वन अनदर फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग इंडिविजुअल कम्युनिटी प्रॉब्लम। बोलता है कि इट्स अ स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है असेंबली जो है, इसमें क्या करता है कि एक इंटायर कम्युनिटी को एक सिस्टमैटिक रिलेशनशिप में लाता है फॉर द पर्पस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। एक कोई का प्रॉब्लम आ गया कम्युनिटी में, हाँ कम्युनिटी, हाँ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स असेंबली, ठीक है समझ आ रहा है कैसे लिख रहा हूँ मैं। इट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी इन सच ए मैनर दैट इफ ग्रेट मेनी पीपल वॉन्टेड टू डू पर्टिकुलर थिंग दे कैन डू। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मेजॉरिटी लोग चाहते हैं, हाँ मेजॉरिटी वॉन्ट्स विन, ठीक है मेजॉरिटी जो चाहता है वो विन हो जाता है, वो जीत जाता है, और दे कैन डू अ पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। इट मीन्स थ्रू इट्स फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनेक्टिंग मासेस ऑफ द पीपल। इससे क्या करते हैं, कनेक्ट पीपल्स, पीपल्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है असेंबली में, असेंबली से पीपल्स कनेक्ट होते हैं क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं एक ग्रुप्स का, ठीक है मासेस का, मेजॉरिटी ग्रुप्स का, तो पीपल क्या हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अ मीन्स थ्रू सच ए सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेबलाइजिंग ए चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द असेंबली इलेक्टेड लीडरशिप एंड एवरी लास्ट मैन एंड वुमेन इन द कम्युनिटी। अ मीन्स बाई विच ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इंगेज इन कॉमन एफर्ट, कनेक्ट पीपल फॉर कॉमन एफर्ट, ठीक है कॉमन एफर्ट। इतना कुछ हमने पैरा वन में देख लिया, ठीक है पैरा वन क्या बताया आपको, पैरा वन क्या बताया कि असेंबली क्या है, इट्स अ कम्युनिटी दैट सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ मेजॉरिटी वॉन्ट्स, ठीक है इट्स कनेक्ट पीपल फॉर कॉमन एफर्ट, ठीक है। ये इतना सारा चीज़ को हमने इतना में कर लिया, ठीक है। तो पैरा वन में अगर आप ऐसे करके लिख लोगे और उसके बाद नेक्स्ट पैरा में जाओगे, नेक्स्ट पैरा देखो यहाँ से यहाँ तक है पैरा टू, ठीक है पैरा टू को इसी तरह आप लिख लोगे, फिर नेक्स्ट पैरा पे जाओगे पैरा थ्री, फिर पैरा फोर, ठीक देखो कितना बड़ा है ये, पैरा फाइव, पैरा सिक्स, ठीक है पैरा सेवन, ठीक है। तो अगर ऐसे करके आप लिख लोगे ना उसके बाद आप सॉल्व करो, इतना मज़ा आएगा, इतने आराम से आपको ऐसा फील होगा ना कि आप एक सिस्टमैटिक वे में पैराग्राफ्स को सब लिख लिए हो और इसको सॉल्व कर रहे हो। 15 मिनट्स लगे, 20 मिनट्स लगे, 30 मिनट्स लगे, परेशान मत होना, स्टार्ट करो, प्रैक्टिस करो, 10 RC अगर ऐसे कंप्लीट करोगे ना, सॉल्व करोगे ना, तो आप देखना आपका पहले कितना मार्क्स आ रहा था और अब कितना मार्क्स आ रहा है। मार्क्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएगा, बहुत ज़्यादा ऊपर मार्क्स भागेगा, और आपको तब पता चलेगा कि कितना इम्पॉर्टेंट और कितना अच्छा सा स्टाइल है ये पैराग्राफ्स रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस को करने का, ठीक है पैराग्राफ बेस्ड करके, ठीक है। तो क्या करना कि ऐसा सॉल्व करो और मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि ये तुम्हें फ़ायदा कर रहा है कि नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय।